फेंक दिया, उसे लाश नहीं मिली। मुझे इतना अफसोस हुआ, पागल की तरह घूमता था। जैसे कि हम सभी वाकिफ हैं कि तबलीगी जमात की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से पूरे देश में कोरोना का एक भयावह रूप देखने को मिल रहा है, लेकिन सत्ता की चूल्हे पर रोटी सेकने वाले कुछ लोग इस बात का बड़ा बतंगड़ बनाकर पूरी कौम को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी कहानियां होती हैं जो आपकी सोच को जाति धर्म से ऊपर लेकर आ सकती हैं और कट्टरपंथी की राह पर चलने से आपको रोक सकती हैं। मेरा नाम मोनिका चौधरी है, आप देख रहे हैं अनहर्ड भारत। ये कहानी है लावारिस लाशों के चाचा और 2019 में पद्मश्री सम्मान पाने वालों में से एक ऐसे ही इंसान की। फैजाबाद के मोहम्मद शरीफ अपनी साइकिल की दुकान चलाकर अपने परिवार का पेट भरते थे, फिर एक हादसे ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। अचानक एक दिन उनके 25 साल का जवान बेटा जब गायब हो गया और कुछ करीब एक महीने बाद पुलिस को उसकी लाश मिली और उसे लावारिस समझकर गोमती नदी में बहा दिया। हमारा लड़का 22 साल का था, हो गया था सुल्तानपुर, और उसे किसी ने मार के बोरे के अंदर फेंक दिया, उसे लाश नहीं मिली। मुझे इतना अफसोस हुआ, पागल की तरह घूमता था। और उसके बाद मेरे दिमाग में ये आया कि अब ये जख्म जो है किसी को होने न देंगे। समाज की फिक्र किए बिना उन्होंने इस काम को अपनी पूरी जिंदगी देखी, इसीलिए शरीफ चाचा को आज एक प्रेरणादायक किरदार के तौर पर देखा जाता है। इसी के चलते हम चाचा से मिलने उनके घर फैजाबाद पहुँचे। जैसे आपने तो शायद 25 साल पहले से कर रहे हैं, ये कितना टाइम हो गया? 27 साल। 27 साल तो आपने तो देखा ही होगा, जब से आप पैदा हुए हैं तब से आप चाचा को देख रहे हैं कि वो ये सब कर रहे हैं, जो लावारिस लाशों को दाह संस्कार कर रहे हैं। तो आपको कभी अटपटा नहीं लगाता इस चीज के बारे में कि पापा क्या कर रहे हैं? मतलब एक होता है ना कि बच्चे के एक अलग सपने होते हैं कि अपने फादर को अलग चीजें करते हुए देखना और वही सीखना, तो आपको क्या क्या उससे सीखने को मिला? या कभी आपको ऐसा संकोच हुआ हो तो आपने कभी कुछ बोला हो चाचा को? नहीं नहीं, ऐसा कोई संकोच नहीं हुआ। दरअसल हुआ ये कि क्योंकि वो ये काम वो अपने बेटे की याद में कर रहे हैं, और जब वो करके आते हैं तो उनको बड़ा सुकून महसूस होता है। वो बताते हैं कि आज मैं एक बेटे को अंतिम संस्कार किया, इससे हमको भी बड़ा फख्र होता है कि मेरा भी भाई था वो। और किसी और भी अगर किसी को सोचा जाए कि ये लावारिस में है, अगर उसका भी तो कोई भाई होगा, बेटा होगा, बाप होगा, अगर उसका अंतिम संस्कार होता है तो बड़ी खुशी की बात है। कोई ऐसी बात तो आप मतलब पूरा सपोर्ट करते हैं? पूरा सपोर्ट, पूरा घर सपोर्ट करता है। लेकिन चाचा की तबीयत खराब होने के कारण हमें उनका कैमरे पर आना सही नहीं लगा, इसलिए हमने उनके परिवारजनों से और उनके बेटे से खास बातचीत की। उन्होंने जो ये काम किया है ये अपने बेटे की याद में किया है, उन्होंने शुरू इसमें किया। हाँ, मतलब कि जो मतलब उसको लावारिस में फेंक दिया गया, उनको ये दुख हुआ कि मतलब मैं मौजूद हूँ, मेरा बेटा लावारिस में गया, उसको फेंक दिया, मैं उसको कफन तक नहीं दे पाया, उसको मट्टी नहीं दे पाया, बस यही दुख था उनको। और यही सोच करके उन्होंने ये काम शुरू किया कि जो दुख मुझे हुआ है वो किसी और, दुख दूसरे को ना हो, ताकि जो है कम अज़ कम उसको अगर ऐसा हादसा होता है तो उसको अंतिम संस्कार करने का मौका मिल जाए। और ये यही समझते हैं, अगर कोई भी लावारिस लाश होती है तो ये समझते हैं कि ये मेरा बेटा है, बस यही समझ करके वो आज तक करते चले आए।